फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, बिग बॉस के घर में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। आपको खबर ही है कि रोहन मेहरा और मोनालिसा नॉमिनेट हुए हैं इस हफ्ते के एविक्शन के लिए। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार खबर आई थी कि बिग बॉस में रोहन मेहरा इविक्ट होंगे और मोनालिसा सेफ होंगी। ये तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी बिग बॉस फैंस के लिए। लेकिन तभी खबर आई कि लास्ट मिनट डिसीजन के अकॉर्डिंग मोनालिसा एलिमिनेट होंगी जबकि रोहन मेहरा सेफ होंगे। आई मस्ट से रोहन मेहरा के फैंस ये जानकर बहुत ही खुश हुए होंगे। वहीं रोहन की फ्रेंड ने सोशल मीडिया को रोहन के फैंस को थैंक यू भी बोला। दोस्तों, पहले ऐसा सुनने में आ रहा था कि प्रिंस ऑफ इंडिया यानी कि रोहन मेहरा को सबसे कम वोट्स मिले हैं, लेकिन बाद में खबर आई कि रोहन मेहरा की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलर टेलीविजन सेलिब्रिटीज़ भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उनकी इविक्शन की रिपोर्ट गलत है, जिससे उनके फैंस को बहुत तसल्ली मिली। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सही भी है क्योंकि हमें मालूम है कि रोहन मेहरा मोनालिसा के कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं टास्क में। बीते दिनों हुए वेयर हाउस टास्क में भी रोहन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया मोना के कंपैरेटिवली। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि शनिवार यानी कि वीकेंड का वार का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि शनिवार को आ रहे हैं शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्म रईस का प्रमोशन करने। सूत्रों से ये भी खबर आई है कि शाहरुख के साथ सनी लियोन भी आएंगी। जी हाँ दोस्तों, और सनी लियोन, शाहरुख और सलमान साथ में डांस करते हुए भी दिखेंगे। तो तैयार रहिए बिग बॉस के वीकेंड के वार के लिए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। जल्द ही लौटेंगे बिग बॉस के घर से कुछ नई खबरों के साथ। टिल देन, गुड बाय। And don't forget to subscribe, like, and share this video.